चारों राक्षस भरत गए हैं, बड़े क्रूर कर्मी राक्षस हैं, मैं कैसे आएगा तू? हनुमान जी ने कहा, मुझे इनका कोई भय नहीं, बस केवल इतना ही कि आप वो मन में प्रसन्नता हो, आपको कोई कष्ट न हो। मैंने हनुमान जी की स्थिति को समझ लिया और यही कहा कि अच्छा अच्छा तुम श्री राम के, हमारे प्रीतम प्रभु श्री राम के चरणों का स्मरण करते हुए मदन फलों को उसके द्वारा अपनी सुधारण करो। तो कल जिस प्रसंग की भूमिका प्राणियों की गई थी, संसार की सबसे बड़ी समस्या तो हो रही है, खचका रखती है कि अन्य विषयों में तो मनमेल हो सकता है पर भूख और भूख मिटाने की समस्या तो समस्त विश्व में व्याप्त है, पर उस भूख और उस भूख की व्यापकता पर जब दृष्टि डाले और जिनकी यह पंचशती हम सब स्मरण मना रहे हैं, श्री गोस्वामी दूसरा जी का उन्होंने तो यही कहा, उनको जला और उनके अनुभव का भी विषय था, यह बाल्यावस्था में वे भूखे और सुख को मिटाने के लिए द्वारा भटकते रहते थे, थोड़े से दाने और चने मिलकर के भी उनको ऐसा लगता था कि लेकिन भूख तो थी पर भूख का अर्थ हो जाता है। और सत्य यही है कि संसार में तो सभी भूखे पर जिसको किसकी भूख है इसमें अंतर, इसका अर्थ ये है कि जहां तक शरीर की भूख है वो तो सब में दिखाई देती है, लेकिन केवल शरीर की भूख नहीं, वो हमारे शास्त्र जो चार फलों की बात कहते हैं उसके लिए भी शब्द उन्होंने कहा चार फल, और वो चार फल का अर्थ है अर्थ धर्म काम और मोक्ष। जब उपाय वो महिपाल महिष्ठ से फल चार, तो ये जो चार फल है इसका अर्थ ये है कि शरीर की भूख के साथ साथ इन वस्तुओं में से भी कोई भूख बड़ी प्रबल होती, और इसमें जो भूख बड़ी व्यापक है वो तो अर्थ की भूख है, पैसे की भूख फल की भूख उसका तो कहने वो तो इतनी व्याप्त है और अन्य युगों की अपेक्षा भी इस युग की जो सबसे बड़ी भूख है वो तो अर्थ की भूख है, पैसे की भूख है, और ये भूख भी ऐसी जो कभी मिटने वाली नहीं। मैंने आप शरीर के लिए भोजन करें तो थोड़ी देर बाद आप कहेंगे कि नहीं बस अरे, पर अर्थ के बारे में ये सुनने को नहीं मिलता कि कोई व्यक्ति कहे कि बहुत हो गया आदमी तो ऐसी भूख है जिसके लिए वो प्रसिद्ध संत भक्त हुए हैं सुंदर दास जी, उन्होंने यही कहा, वो आपने कृपा सुनी होगी, उन्होंने कहा उस भूख की स्थिति तो ये है कि जो 10-20-50 दिन है सब तो हो हजारन लाख मंगे और कोटि अरब खरब असंख पृथ्वीपति होने की चार जगह और स्वर्ग पतालों को राज्य में पर कबू तृष्णा अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सच तेरी तो भूख कभी न भरे। मनो अर्थ की भूख बहुत व्यापक है और वह भूख व्यक्ति से इतने अनर्थ करा सकती है, इसका प्राचीन काल के इतिहास में भी और वर्तमान में भी दर्शन होता है। अर्थ जीवन की आवश्यक है, अर्थ के बिना तो कोई व्यवस्था और व्यवहार चल नहीं सकता, लेकिन जब वह अर्थ की भूख व्यक्ति के जीवन में अनर्थ की सृष्टि करने लगे तब वह अनर्थ अर्थ की भूख जो है यूं कह सकते हैं कि जैसे भूख और अर्थ स्वभाव
स्वाभाविक भूख लगने पर भोजन व्यक्ति अधिक करता जाए तो आपस अजीर्ण हो जाएगा और अजीर्ण होगा दोनों भी। तो अर्थ की भूख जब समाज में बढ़ जाती है और उसकी वो खाता ही जा रहा है तो अब छोड़ना स्वाभाविक है और उससे व्यक्ति और समाज के जीवन में कितने रोग व्याप्त है इसका अनुभव सबको हो रहा है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। तो एक भूख तो अर्थ की भूख है, वो भी एक फल है। दूसरी भूख जो है वो काम की भूख है, काम भोग की भूख। और भूख के भूख काम की भूख कितनी प्रबल है तो उसका दर्शन होता है राहुल के जीवन में। राम ने लंका पर अधिकार किया, अर्थ की वहां पर कोई कमी नहीं है। 400 कोस सोने की लंका है और 400 कोस सोने की लंका का स्वामी राम है। इतना ही नहीं, जितना स्वर्ण जहां पर इसने माल है, सारा नगर है, प्राकार है, वह पर उस रावण के जीवन में जो इच्छा जागृत हुई वो भूख जागृत हुई वो काम की। और तब उसने क्या किया, जहां भी कहीं सुनता था इस संसार में कोई सुंदरी है तो वो चाहे तो सीधे प्रस्ताव करता था तो उसे मेरे महल में अर्पित किया जाए। और यदि कोई विरोध करता था तो वो अपने शक्ति के द्वारा छीन करके भी सारी सुंदरी स्त्रियों को कन्याओं को अपने राजमहल में आता। वो तो वहां अपने स्वामी जी का पढ़ा होगा, देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर राजकुमारी जीति बरी निज बाहुबल बड़ सुंदरी बहुना। कोई ऐसी सुंदरी चाहे वो देवता हो, चाहे यक्ष हो, चाहे किन्नर हो, चाहे वो किसी भी तरह कहीं भी हो, बस सारे संसार की सुंदरिया लंका के राजपाल में करते हैं। पर क्या रावण के काम की भूख मिट गई? ना, रावण के काम की भूख की पराकाष्ठा तो सब सामने आई जब सूर्पणखा के द्वारा उसने जलक नंदिनी की सुंदरता का वर्णन किया। और वह सूर्पणखा रावण की दुर्बलता से परिचित थी कि अर्थ की अपेक्षा भी उसमें काम की वृद्धि प्रबल है। अर्थ तो बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है लेकिन जहां तक भोग वासना की स्थिति है और तब उसने जानबूझ कर ये तो बताने की चेष्टा किया जो दोनों राजकुमारों ने मेरा अपमान किया और उन राजकुमारों को दंड देने के लिए कल 14,000 दंडक वन निवासी सारे बंधु आपके गए तो उनका उन्होंने मदद किया। पर इतना होने के बाद भी वो जानती थी कि रावण की सबसे बड़ी दुर्बलता दूसरी और इसलिए वो जानबूझ करके रावण को उत्तेजित करने के लिए कहती तिल के संग नारी रामा परम सुंदरी नारी रामा उनके साथ एक बड़ी ही सुंदर युवती है, राजकुमारी है, वो श्यामा दिव्य रूप वाली है और ऐसा लगता है कि करोड़ करोड़ रथ को भी उस पर निछावर किया जा सकता है। रावण बस वो उसकी भूख उस सीमा के जैसे देखते हैं, कभी व्यक्ति भूखा हो तो भूख के मारे चोरी भी कर देता है। तो रावण जब सीता जी को चुराने के लिए साधु का वेश बनाता है, नहीं है साधु भिक्षा मानते हैं तो लोग देना कर्तव्य मानते हैं। पर वो रावण जब साधु का वेश बना करके जनक नंदिनी के सामने भिक्षा मांगता है और भिक्षा मांगने के बाद फिर उसकी भूख तो दूसरी है, उनका अपहरण करता है, उनकी चोरी करता है, तो लगता है कि ये काम की भूख व्यक्ति को कहां तक पहुंचा सकती है। गोस्वामी जी ने कहा कि उस समय उसकी दिशा एक साधारण चोर जैसी थी। जब सीता जी का हरण करके वो जा रहा था तो बड़े निश्चिंत भाव से नहीं जा रहा। गोस्वामी जी ने ये शब्द लिखा कि कोई ग्रामीण कुत्ता, एक तो कुत्ता हुआ है जो पालतू है, उसे गृह पति जो है वो भोजन कराता है और एक गांव में रहने वाला कुत्ता जो भूख लगने पर केवल ये देखता है कि कहीं घर का दरवाजा खुला हुआ हो और बस तुरंत जा करके जो भी मिले
उसको मुंह में लेकर के और जब वो लेकर के निकलता है तो इतना सशंक होता है। गोस्वामी जी रावण के तुलक होते थे। गोस्वामी जी कहते हैं जिस समय रावण लेकर के सीता जी को चला उसमें रावण इधर देख रहा उधर देख रहा उस तरह डरा सा लगा और तब गोस्वामी जी ने याद दिलाया रावण कौन है जाके डर सुर असुर डरा और निश्चिन नींद दिना ने रखा जिस रावण के डर के बारे देवता और जब सभी प्राणी डरते हैं रात को नींद नहीं आती और दिन में भोजन नहीं कर पाते सूर्य दशीस स्वान की नहीं ये तो उत चित चला बढ़िया है। वह रावण जो है काल जब इधर उधर देख रहा है तो एक कुत्ते की तरह है जो चोरी के बाद भयभीत होकर के निकल रहा हो वो रावण की दशा है। मानो अर्थ की भूख का अर्थ तो इतिहास में वर्तमान में दिखाई दे रहा है काम की भूख का भी दर्शन पहले भी होता है और आज भी मनुष्य कामग्रस्त होकर के कामी की स्थिति में वह अपनी सुधा लुटाने के लिए काम वासना को शांत करने के लिए औचित्य और उचित की चिंता किए बिना केवल उस भूख को मिटाने की चेष्टा करता है और उसके द्वारा भी अकल्याण होता है। कितने दंड मिलते हैं कठोर ऐसी स्थिति आती है जहाँ हत्या हो जाती है लेकिन मनुष्य काम की भूख को भी का वो उसका परिणाम उसकी अग्रेत जो है उसका भी समाज में दर्शन हो जाता है। और तीसरा फल जिसको शास्त्र कहते हैं वो तीसरा फल है धर्म का फल। तो धर्म के फल की विशेषता ये हुई कि जैसे एक व्यक्ति वह है जो अकेले स्वयं ही खा लेना चाहते हैं और कुछ लोगों को अकेले बैठ के भोजन करने में आनंद नहीं आता वो लोग कहते हैं दो चार लोग और हो और उनके साथ बैठ करके भोजन करें तो अच्छा लगता है। मैंने भोजन हम स्वयं भी करें वो खराब है। तो अर्थ और काम में तो व्यक्ति अपने में ही केंद्रित है पर धर्म की भूख जब होगी तो व्यक्ति स्वयं ही भोजन नहीं करेगा दूसरों को भी भोजन कराएगा दूसरों को भी देगा दूसरों की आवश्यकता की भी पूर्ति करेगा। और इस तरह से जब ये धर्म की रूप व्यक्ति के जीवन में आती है तो धर्म के रूप के साथ साथ व्यक्ति दूसरों की रूप का भी ध्यान रखता है दूसरों की भी क्षुदा बिताना चाहता है और यही यज्ञ की वृत्ति है जहाँ पर व्यक्ति स्वयं केवल अपनी ही चिंता न करे अपितु दूसरों को भी चिंता करे तृतीय फल है। और चौथा फल जिसको परम फल बताया गया वो मोक्ष का फल। मोक्ष का तात्पर्य यह है कि ये जो तीनों फल है उनमें अर्थ और काम में तो अत्यधिक समस्याएं जुड़ी हुई है पर धर्म के साथ भी कुछ समस्या है। और धर्म के साथ तो सबसे बड़ी समस्या है ऐसा करता हूँ कि आप एक सुन रहे होंगे कई बार लोग कहते हैं कि आजकल इतने धार्मिक आयोजन होते हैं इतने नाना प्रकार के आयोजन प्रवचन यज्ञ और होने के बाद भी समाज में उतना परिवर्तन क्यों नहीं है। और सब नहीं है धर्म के मूल में जो वृत्ति होनी चाहिए उससे प्रेरित होकर के अगर आयोजन हो तो कल्याण है। पर आज धर्म के मूल में जो प्रेरणा लोगों के जीवन में है उसके संदर्भ में मुझे श्रीमद् भागवत के श्लोक की याद आती है। भगवान वेदव्यास कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में एक धर्म का निरूपण है। भगवान व्यास से कोई पूछ सकता है धर्म का निरूपण करने वाले तो न जाने कितने ग्रंथ है आपकी ग्रंथ में क्या विशेषता है। तो भगवान वेदव्यास कहते हैं कि मैंने जिस धर्म का निरूपण किया है उसमें दो बातें नहीं क्या बोले धर्म प्रोचित कहीं हो तो परम निर्मत्सराणां इस धर्म में न कपट है और न तो मांस है। मैं क्या कहता हूँ आप चैतन्य रखकर की गहराई से इन शब्दों पर ध्यान दें और जो धर्म करने वाले के जीवन में कपट बहुत दिखाई देता है कपट का
भयो का आचर करते समय वो ये देखता है कि लोग देख रहे हैं देखेगा वाली धार्मिक विद्वानी की चेष्टा करें नहीं देख रहे तो चलो कोई बात नहीं कोई देख नहीं रहा तो धर्म की वृत्ति के साथ साथ दिखावे की वृत्ति कपट की वृत्ति बहुरा जाती और वो जो कपट की वृत्ति है जब मूल में ही धर्म के व्यवहार किया के मूल में जब कपट और दिखावा हो गया तो फिर उसका फल कैसे कल्याणकारी हो ठीक है माने दिखावे का उद्देश्य लोक सम्मान पाना है और लोक सम्मान पाने के लिए अगर किसी ने धर्म का आश्रय लिया तो लोग सम्मान करते ही है दिखावे से प्रभावित होने वाले लोग हैं तो जो चाहता है वो तो उसको मिल गया धर्म का फल और धर्म का फल जो चाह उसने पा लिया पर धर्म का फल अगर भगवान की भक्ति हो या धर्म का फल अगर व्यक्ति के अंतःकरण की शुद्धि के बाद भगवान के चरणों में अनुराग हो या मोक्ष की प्राप्ति हो तो धर्म में कपट की वृद्धि नहीं होनी चाहिए जहां जहां भी रामायण में यह प्रसंग आता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में बस दिखाई दे रहा और दिखाई देने का प्रसंग प्रसिद्ध ही श्री हनुमान जी लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर औषधि लेने के लिए जा रहे हनुमान जी को अचानक प्यास का अनुभव हुआ यह रामायण की जो भाषा है वो तो बड़ी अनोखी हनुमान जी को जब प्यास लगी और थोड़ी थकान आई तो हनुमान जी ने देखा चारों ओर तो दृश्य दिखाई पड़ा एक आश्रम है मुनि जी बैठे हुए हैं और वो दृश्य तो रहा पर गोस्वामी जी ने शब्द बहुत सुंदर राक्षस कपट में सत्ता वस्तुता तो वह कालरणी है और रावण के की प्रेरणा से हनुमान जी के कार्य में बाधा देने के लिए आया हुआ है लेकिन कपट वेश में बड़ा कुशल है और कपट वेश में कुशल है तो उसने ये समझ लिया ये साधुओं पर लोग बड़ी सरलता से विश्वास कर लेते और ये समझ दुर्बलता तो सदा ही रही है रावण भी सीता जी का छल करने जाता है तो साधु का वेश बना के जाता है और हनुमान जी को भी छलने का विचार जब कालरणी के हृदय में आया तो कपट वेश बना लिया और उसके पश्चात भगवान की कथा भी हनुमान जी को सुनाई उन्होंने उसने कहा कि मैं यहाँ बैठे बैठे देख रहा हूँ कि लंका में राम रावण का युद्ध हो रहा है और भविष्य भी बता दे रहा हूँ कि राम और सीता जी का युद्ध इतना बड़ा धर्मात्मा आश्रम में बैठा हुआ है लोगों की लगाए हुए हैं राम की कथा सुना रहा है और यह भी कह रहा है कि राम भविष्य जीत रहेंगे लेकिन उद्देश्य क्या है इतनी देर तक कथा सुना में उसको सुनने को मिल गया होगा कि बंदर कथा का बड़ा प्रेमी जो कथा का प्रेमी है तो इतने देर तक कथा सुनाओ तो सुनते सुनते भूल जाए कि दवा लेकर के लौटना है और उतने देर में हमारा कार्य पूरा हो जाए हो जाए और लक्ष्मण के प्राण चले जाए तो जिस कथा का उद्देश्य लक्ष्मण का प्राण लेना हो और व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकना हो अब कपट युक्त जो धर्मट है जो आचरण है वो अधिकांश लोग के जीवन में किसी की सुख दिखाई देता है तो भगवान वेद व्यास कहते हैं कि वास्तविक धर्म तो वह है जिसमें कपट नहीं दिखावा है और दूसरे एक और बड़ी बात धर्म प्रोतिष्ठ कई तम परम निर्मस्तर धर्म की दूसरी प्रेरक वृत्ति और आजकल को इसका बोल पा गए मात्सर्य की प्रेरणा से धर्म मात्सर्य की प्रेरणा माने आयोजन के पीछे जो होना चाहिए धर्म के मूल में क्या होना चाहिए श्रद्धा बिना धर्म नहीं होता श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता कपट रहित धर्म हो और वह धर्म जो होगा वो श्रद्धा से ही हो सकता है पर श्रद्धा युक्त धर्म आज का नहीं आजकल तो मात्सर्य प्रेरित धर्म हो रहे किसके आयोजन में कितनी भव्यता लाई गई कुछ किस तरह से लोगों को आकर्षित किया गया और एक दूसरे को होड़ में परास्त करने की वृत्ति बनी
यही है कि हमारा आयोजन उस आयोजन के आयोजन से अच्छा हो। मतलब सोचिए, जिसके मूल में श्रद्धा न होकर के सामने वाले को पटकना हो, दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाना हो, कहां पर वो धर्म, वो तो मास्टर तो जानते होंगे, तो व्यक्ति चलेंगे तो स्वाभाविक है उसकी गति तेज होगी, वो आगे बढ़ेगा। और अपने से आगे बढ़ते देख करके पीछे वाले को लगता है, इसी को कहते हैं मास्टर। तो अब ये जो मास्टर की वृत्ति है तो इतनी व्याप्त है, किसी कोई सीमा नहीं। तो आज तो इतने आयोजन जो होते हैं, उन आयोजनों में मुख्य दृष्टि यही होती है। मुझे तो बड़ी हंसी आई, कल एक आयोजन किसी महानुभाव का हुआ, बड़ा गर्व हुआ। तो दूसरों ने एक दूसरे व्यक्ति को आमंत्रित किया, तो ठीक है लोग बातें करते, और वो जब समीप की बैठी तो उन्होंने कहा कि ऐसा आयोजन हो जो आयोजन टिका पाए, तो भूल है। तो अब कहा वो आयोजन में श्रद्धा है, मात्सर्य है, मात्सर्य और खपत नहीं धर्म होगा तो समाज के लिए परम कल्याणकारी होगा। और अगर होड़वा नहीं धर्म होगा, एक जन प्रशंसा करने लगे, कल सत्य में एक श्रीमद भागवत कह सकता हूं, वक्ता का नाम लेने की आवश्यकता नहीं, आयोजन का नाम लेने की आवश्यकता नहीं, प्रशंसा करती ये नहीं कहा गया कि कथा में क्या सुंदर है। वो लोग नित्य नए नए डिश, और एक दिन तो चाइनीज डिश भी लोगों को वो खिलाया। तो अगर श्रीमद भागवत की कथा का फल चाइनीज डिश है, मानो वो जो आज इतने दिखावे और उसकी वृत्ति है, उस वृत्ति ने धर्म के उस तत्व को विरुद्ध होकर रह गया। तो बड़े सोचने की बात है। और तो धर्म के साथ धर्म का फल तो अच्छा है, मधुर है, कल्याणकारी है, लेकिन धर्म के साथ कपट और मात्सर्य का अभाव तो बहुत ही विरल व्यक्तियों में दिखाई देता है। और वो शंकु की कथा से आप परिचित है, शंकु ने गुरु वशिष्ठ से कहा, वो सूर्य वंश में उनका जन्म हुआ, कि मैं स्वर्ग जाना था। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम्हारे स्वर्ग में जाने में कोई संदेह है क्या? नहीं नहीं महाराज, जैसे सब लोग जाते हैं और वैसे मैं गया तो मेरी क्या विशेषता, तब मैं तो इसी शरीर से जाऊं, इस शरीर को छोड़ के और लोग जाते, पर इस शरीर को छोड़े बिना इसी शरीर से मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं। जो सृष्टि का विधान है वो तो ब्रह्मा के पुत्र है, देवी के पुत्र है, उन्होंने ये ही कहा कि असंभव, क्यों तुम इस शरीर को लेकर के स्वर्ग में जाना चाहते हो? इस शरीर के साथ इतनी समस्याएं हैं, इतनी कमियां हैं, स्वर्ग का शरीर तो बड़ा दिव्य होता है, तुम्हें इतनी आसक्ति, तुम्हें इतना मोह इसी शरीर से जाना चाहते हो? नहीं महाराज, तो मेरी प्रजा जैसे जाएगी मैं भी गया तो मेरी विशेषता, ये मेरी विशेषता करो, मैं सबसे अलग दिखाई पड़ा। और तब जब उन्होंने स्वीकार कर दिया तो वो पहुंच गए विश्वामित्र के पास। पूरे अंत में देख विश्वामित्र जी और वशिष्ठ में मतभेद है, और जाकर के यही कहा कि महाराज मैं शरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं। विश्वामित्र जी ने पूछा कि तुम्हारे आचार्य तो वशिष्ठ है, पर हमारे गुरु ने तो कहा कि असंभव है। और तब विश्वामित्र ने कहा अच्छा वशिष्ठ कहते हैं असंभव है तो मैं संभव करके दिखाऊंगा। और फिर अपने तपस्या के प्रभाव से उन्होंने त्रिशंकु को शरीर स्वर्ग की ओर भेजा। और भेजने के बाद जब देवताओं ने दुखा कि ये कौन गंदे कपड़े पहनकर तो स्वर्ग में आ रहा है, वहां की ये तो शरीर जो है वो गंदा कपड़ा ही है, तो उन्होंने कहा कि उसको रंगे नीचे रंग लिए, और फिर वो विचार सिर के बल नीचे गिर रहा। उसने पुकार करके विश्वामित्र जी से कहा, महाराज आपने अच्छा स्वर्ग में भेजा, वहां से भेजा, यहां से भेजा, और वहां से लोगों ने ढकेला। और तो उन्होंने कहा रुक जाओ, वही रुक जाओ। अब रुक क्या गया बेचारा, नहीं था ढूंढा, बीच में लटक रहा,
올림픽 나의 것을 미처 배우고, 만우 배 가는지, 어렸을 때 우리도 가는지가 괜찮네, 그리워해, 안 그리워해. 또 만우실 때 이번 고마워한데도 쉐릴 고마워해. 그스프에 자, 배 고사탱이, 어렸을 고사탱이. 그래서 가득 배, 삼세 우파를 왜 해? और जितना कर होना चाहिए वो विवेक की प्रेरणा से होना चाहिए लेकिन जब उलट जाए जब ऊपर हो गया पद और नीचे हो गया सिर अब वो बेचारा लटक रहा उसके मुंह से लार टपक रही पुराण कहते हैं एक नदी निकल आई जिसका नाम है कर्णनाशा प्रश्न कि विश्वामित्र जी ने इतना परोपकार किया कि अपने स्वर्ग के जाने की चिंता तो सबको होती है लेकिन दूसरे को स्वर्ग पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी हजारों वर्ष की तपस्या लगा दिया ये तो बहुत बड़े परोपकार की बात है फिर बेचारे तो शंख की ऐसी दशा क्यों बोले इसलिए हुए कि विश्वामित्र जी जो थे वो त्रिशंक को ऊपर भेजने के लिए नहीं भेजे वशिष्ठ को नीचा दिखाने के लिए ये उद्देश्य नहीं था त्रिशंकु सर स्वर्ग पहुंच जाए वशिष्ठ को लगी जगह बोली मात्र ये थे प्रेरित मानो अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी अगर मात्सर्य आवे और उस मात्सर्य में कल्याण की वृत्ति के स्थान पर नीचा दिखाने की वृत्ति आ गई तो अभी उसका परिणाम तो स्पष्ट रूप से कल्याणकारी नहीं हो पाया और इसलिए ये कहना बड़ा सार्थक है उन कथाओं को तो लोग ढंग से समझने की चेष्टा नहीं करते उसके मुंह से जो लाल टपकी उससे नदी निकल आई और नाम क्या रखा गया कर्मनाशा कर्मनाशा का फल क्या जिसने नहाते सारा पुण्य नष्ट हो गया इतनी बढ़िया बात जिस कर्म के मूल मात्सर्य और जो लाल टपक रही लालसा है वो तो आपका सारा कर्म नष्ट कर रही है आपका सारा पुण्य जो है वो तो उसके द्वारा नष्ट हो गया इसलिए सचमुच धर्म का फल कल्याणकारी हो सकता है लेकिन धर्म के फल की कल्याणकारिता सब हो जो उसमें कपट और मान से भी ना हो वो फल कल्याणकारी वो बहुत बड़े व्यक्ति में और मोक्ष का जो फल है वह तो जन्म वैराग्य के बाद उस फल की प्राप्ति होती है और उतनी प्रतीक्षा कर पाना तो जैसे कोई व्यक्ति भूखा हो और भूखा व्यक्ति अगर उसको लगे कि अभी तो भोजन मिलने में बड़ी देर है और वो जो मिले उसी को खा ले इसी प्रकार से मोक्ष का फल कितना कठिन है उसका वर्णन आपको रामायण के उत्तरकांड में मिलेगा कि जहां पर उस फल को पाने के लिए कितना बड़ा अभ्यर्थ करना होगा सात्विक श्रद्धा दे पहले सात्विक श्रद्धा की गाय आवे गाय आने के पश्चात उसको सत्कर्म का चारा खिलाइए उसके पश्चात निर्मल मन के अहीर के द्वारा विश्वास के बर्तन में दूध दुहिए उस दूध को निष्कामता के अग्नि पर पकाइए पकाने के बाद उसको ठंडा कीजिए ठंडा करने के बाद उसमें जामुन डाल करके जमाइए जमाने के बाद जब दही बन जाए तो उसको मथिए और मथने के बाद भी वो जो निकलेगा वो वैराग्य होगा वैराग्य शब्द को चाहे जिसको लोग कह देते हैं मराठी बाबा पर ये विरागी शब्द कोई साधारण शब्द तो नहीं है यह विरागी शब्द तो इतना कठिन है इतनी साधना के बाद तो कहीं पर गोस्वामी जी कहते हैं तब अवस्कार ले नोनी का विमल विराग सुहग सुकुलता इतने इतने सब कर्मों के बाद श्रद्धा निर्मल मन और विश्वास और इन सब के बाद मंथन के बाद तो कहीं जाकर के अर्धम की रस्सी और सत्य के आधार पर मुझता वृत्ति जब मिले तो वैराग्य का मक्खन निकल पाएगा वैराग्य का मक्खन निकल जाने से ही कोई सब कुछ नहीं मिल जाएगा वैराग्य का मक्खन निकल जाना ही सब कुछ नहीं है मुझे स्मरण आता है ये मुंबई में हमारे एक स्नेही है उन्होंने प्रसंग सुना ज्ञान दीपक का वो प्रसंग चल रहा था तो बाद में एक श्रोता ने मुझे सुनाया तो सुनकर के लगा यार कैसे कैसे भिन्न भिन्न पुरुष के श्रोता आते
कई बहना ने सुना दोनों ने दौड़ डाली बहना से कहा कि जुलम मत करो मक्खन आ गया है तो रोटी मेरा के खा लो। तो भाई वैरागी के रात भी अगर उसको आप रोटी मेरा के खाने वाले वो वैरागी कहलाने के बाद आपका उद्देश्य अगर लोगों में वैरागी कहलाना हो सम्मान पाना हो तो फिर उसको मखरा दिखाई ना। आपको ज्ञान का दिया तो तब बनेगा जब आप धैर्य रखें कि नहीं हमें मक्खन खाना नहीं है जलाना। दिया बनावेंगे तो उसमें तो मक्खन घी बन के जलेगा और मक्खन वैसे जो है वो तो खाली की वस्तु हो गई। तो इसका अभिप्राय वैरागी के बाद भी अगर वैरागी कहलाने की लालसा बनी रह जाए सिद्धियों की लालसा बनी रह गई तो व्यक्ति ज्ञान का करेंगे तब कुछ ला करके कितनी कठिनाई से फिर उस वैरागी के मक्खन को प्रयोगवाणी के द्वारा पकाइए और उसमें ममता का बल मिटाइए और उसके बाद तब कहीं जा करके अब बन गए अभी और इसे भी तो नहीं होगा चाहिए पत्ती चाहिए और उसको रखने के लिए जड़ चाहिए वो तो एक एक इतना कठिन है। उन्होंने कहा कि तीन अवस्था तीन गुण यही कपास के कारण ये जो तीन अवस्था और तीन गुण है वही प्रकाश जो कपास होती है उसके तीन मुखिले हुए हैं और उसको निकाल करके तब दूर दूरी समानी गुणी दूरी अवस्था की बत्ती बना रहे और बाकी करे सुधार और तब ये चित्त दिया है चित्त के दिया में समता की गेट पर जब यह घी रखा जाए और उसके पश्चात उसमें अग्नि प्रज्वलित की जाए तब वो दिव्य ज्ञान की ज्ञान का दीपक प्रज्वलित इतना कठिन है कौन इतना रुकने को तैयार है कि मोक्ष का फल आजकल तो इस चढ़ने लोग मोक्ष दिला देते हैं लोग समझ लेते हैं कि मैं तो मुक्त हो गया और कौन इतना धन धारण करे कि व्यक्ति मोक्ष के लिए इतना प्रयत्न करे और उसके बाद भी सावधान रहना है कि क्या कुछ मिले। वो स्वामी जी कहते हैं कि जिस समय तो जिस समय ये व्यक्ति जीत ज्ञान का ज्ञान लाता है उस समय ऋद्धि सिद्धियां आकर के उसको अपनी ओर आकृष्ट करने की चेष्टा करती है। ऋद्धि सिद्धि तेरी बहु भाई बुद्धि लोभ दिखावी आई और हो ही बुद्धि जो पर्व श्यामी सिंह चिताओ न अनहित जानी जो ते विरल बुद्धि नहीं जाती तो बहु ऋषु करे उपाधि इनमें द्वार झरोखा रहना कहता सुर बैठे तेल खाना आवत देखने विषय बयारी देह से देह कपाट को भारी जब सब प्रभंजन को इतने जाई तब ये दीह पर विज्ञान उठाई जितने परिश्रम से जलने वाला दिया मिल गया और ग्रंथिन मीट में ग्रंथिन छूट मिटा सब प्रकार था बुद्धि निखल रही विषय मिटा कर पता था तब वो जीव विविध विधि पाप संस्कृति क्लेश हरि माया अति दुष्कर धन्य जाए भी इतना कठिन है अति दुर्लभ कैवल्य परम पद संत पुराण महामार्ग ये मोक्ष का फल पाने के विलासा दो वृद्धि व्यक्तियों के जीवन होती है और शास्त्र कहते हैं ब्रह्म लोक का विदेह भव वैभव विलाती मनुष्य के लिए इस लोक के ही लोभों को छोड़ पाना कठिन है और स्वर्ग के भोग कितने हैं उसको पढ़िए तो इनका स्वरूप सही अर्थों में पूरा नारायण ने बताया गया और इस फल को अगर कोई पाना चाहता है ये पुरुषार्थ का अलग इसको समय समय पर शुद्ध मात्रा में इन चारों फलों का सामंजस्य जीवन में हो तो मनुष्य का जीवन सुखी रह सकता है और वो संतुलित मात्रा में अर्थ भोग धर्म और उसके बाद मोक्ष के प्राप्ति का अधिकारी बनता है। तो ये जो फलों की भूख है एक कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि जिसके जीवन में इनमें से किसी फल की भूख न हो और मैं हमेशा पाना चाहता हूं पर इस भूख जिसने यह समझ लिया और उस
करने का क्या उपाय? एक ऐसे भी है कि जिन्हें चारों फल दीजिए और श्रीमद जी मंगाए त्रिवेणी के तट पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि अर्थ धर्म नाम रुचि गति ने चौ मेरे भाव तो लगा कि चार ही तो फल होते हैं, इनको चार फल भी नहीं चाहिए तो बड़े त्यागी हैं। और भरत जी तो अपने को त्यागी मानते हैं और दूसरा जी ने भी कहा कि गीता को देखिए तो त्यागी नहीं क्यों? जैसे आपके यहां कोई अति क्या और पता चले कि तो अन्न नहीं है, अच्छा अन्न नहीं है तो फल ले लीजिए, तो फल लेने में गिराने में गिना हो तो ले लीजिए, संतरा नहीं, सेव नहीं, अंगूर नहीं, फल अच्छी गिरा दिए पर नहीं नहीं करते जा रहे, वो लगता है उनको फल की इच्छा बिल्कुल नहीं है, बड़े ऊंचे थे। उनसे कहा गया कि महाराज आप कुछ तो ले लीजिए, बोले फल तो नहीं है थोड़ा रस ले लेंगे पाओ के बड़े चतुर निकले, फल नहीं चाहिए पर रस चाहिए, रस का आनंद तो अनोखी है, अरे फल में तो छिलका भी होगा, किसी में गुठली होगी, किसी में कोई वस्तु होगी, रस मैंने सब बाहर हटा दिया जाए तो उसका सार बाहर रह गया। तो भगत जी तो बड़े चतुर निकले, चार फल नहीं चाहिए पर रस चाहिए, रस चाहिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए क्या अर्थ धर्म काम रुचि गति निर्माण जन्म जन्म रति राम प्राण के चरणों में रति रति काल का रामायण में पढ़ी तुलसीदास जी के शब्दों का अर्थ अगर आप समझना चाहते हैं तो केवल जो शब्दकोश है उनसे नहीं आप अर्थ ले रामायण में तुलसीदास जी का स्वयं का भी अपना एक शब्दकोश और उन शब्दकोशों का सही अर्थ का ज्ञान आपको तब होगा जब गोस्वामी जी के शब्दकोश में घूमेंगे कि उनके शब्दकोश में इसका अर्थ क्या है। तो रति का अर्थ शब्दकोश बताएगा कि रति की पत्नी है, यही कहेगा कि काम की क्रिया का नाम रति है, या रति कहेगा कि भगवान के चरणों में भक्ति कह दी थी तो रति है। पर गोस्वामी जी रति का अर्थ बता जब संत सभा में जाए और संत के बताए हुए नियमों का पालन करने को मानो हो रहा है और वो बहुत पालन करते करते जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो ज्ञान मानो फल आ गया, लेकिन फल आने के बाद भी कच्चा फल है तो पूरा पर अभी वो रस युक्त तो नहीं है, आनंद देने वाला भूख मिटाने वाला तो नहीं है, वो कब होगा? बोले हर एक पद रति रस में भूखा भगवान के चरणों की रति ही रस है। मानो भरत जी कह रहे हैं जन्म जन्म रति राम भरत, रस चाहिए फल नहीं चाहिए, तो धन्य है जो भगवान की भक्ति का रस चाहते हैं, तो उसलिए धन्य है कि भगवान की भक्ति का रस जो है तो वो समस्त फलों का भी सार तत्व है, उसमें अर्थ और धर्म काम मोक्ष चारों का आनंद है, पर चारों की कोई बाधा उसमें नहीं, चारों का जो कभी कमी होती है उस चारों का उसमें अभाव है। यह जो चार फल है या फलों का रस है अलग अलग आपको के जीवन में आपको दिखाई देगा, पर यहां जो संकेत और संकेत बड़ा मधुर है, एक रामायण का पात्र ऐसा है जो ये दिखावा करता है कि मुझे फल नहीं चाहिए और वह बात कही रावण भरत, इतना गहरा संकेत है गोस्वामी जी हनुमान की परम विरागी है और वो कह रहा मुझे भूख लगी और वो प्रताप भान नाम का जो राजा था वो जब यज्ञ करता था और आचार्य पूछते थे कि आप क्या फल चाहते हैं तो यही कहा है तो फल अनुसंधान कोई फल नहीं चाहिए, कोई फल नहीं चाहिए तो लोग कहते थे भूख विवेक परम सजाना गीता में भगवान कृष्ण ने कह दिया कर्म लेवा अधिकार से मैं फले सुपदा चला कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं, उसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य के मन में फल की इच्छा न हो,
फल की इच्छा से ही तो मनुष्य के जीवन में कर्म होता है। बाद में एक स्थिति आती है जब फल की इच्छा का अभाव हो जाता है और वो उसका कर्म भिन्न रूप में होता है, पर प्रारंभ में फल की इच्छा से ही तो आप कोई कर्म करते हो। पर उतना मानने पर भी, ये इच्छा होने पर भी, ये समझ ले कि हम कर्म करेंगे पर फल को हम क्या कर सकते हैं कि मिलेगा, इसके लिए जो तैयार पुरुषार्थ कर रहा है, कर्म कर रहा है, पर जानता है कि अंत में एक किसान है, खेत में हल जोतेगा, बीज डालेगा, सिंचाई करेगा, लेकिन और अनेक रोग हैं, विपत्ति हैं, ओले हैं, जिससे उसकी खेती नष्ट हो सकती है। इसलिए मानो कर्म का हम करते हुए कर्म करें, ऐसा होते हुए भी हम ये समझ ले कि फल देने का अधिकार कोई पर कोई है, हमें अधिकार नहीं। प्रारंभ में अगर इस वृत्ति से कर्म करे तो परिणाम होता है कि इसके लिए वो तैयार है कि इतना करने पर भी अगर हमें फल नहीं मिला तो ठीक है, हम तो जो हो सकता था हमने किया और करने पर नहीं हुआ तो फिर उससे अधिक हम क्या कर सकते हैं। एक रोगी हो, उसकी दवा रोग मर जाए तो मन में दुख होता है कि रोगी को दवा नहीं मिली, यह समय पर दवा नहीं मिली। लेकिन एक व्यक्ति को बड़े से बड़े डॉक्टर देख करके दवा दे और दवा देने के बाद भी कभी अंत में रोगी मर गया तो मर तो गया पर व्यक्ति को ये संतोष हो जाता है कि भाई जो कुछ हो सकता था वो हमने किया, उसके बाद तो हमारा जीवन था नहीं। तो यह सूत्र भी अगर मनुष्य जीवन में समझ ले, इसीलिए भगवान कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश देते हैं वो तो साक्षात ईश्वर है और वो जानते हैं कि अर्जुन की विजय निश्चित है और निश्चित क्या हो तो आगे करके ये भी दिखा देते हैं कि योद्धाओं को तो मैंने मार दिया, लेकिन कितनी विचित्र बात है, ये नहीं कहते कि लड़ो तो जीतोगे, वो कहते हैं कि क्यों चिंता करते हो, हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोष्य मही, मर जाओगे तो स्वर्ग जाओगे, ये नहीं कहते कि मरोगे नहीं, अरे क्या चिंता है, जीवित रहोगे तो आनंद लेना, मर जाना तो स्वर्ग में चले जाना, तो कितनी बढ़िया बात है। और इतने कह दिया कि कर्म का रहस्य जो है वो योग में है, और योग क्या है, बोले समर्पण योग इच्छक है, समर्पता उदय हो जाना ही योग है, और समर्प क्या है, बोले सब दुखे समय कृत्वा दुख सुखे समय कृत्वा लाभा लाभो मिला, दुख में सुख में लाभ में हानि में जब कोई व्यक्ति जय में और पराजय में समान अनुभव करे तो योगी है। मानो बार बार कहने का अभिप्राय ये है, ये मान करके जो लोग चलते हैं कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, संकट नहीं आएगा, विपत्ति नहीं आएगी, ऐसे लोग तो पूजा करते करते भी छोड़ देते, एक विपत्ति आई पर क्या हुआ करने से, बल्कि भी तो इतनी विपत्ति आ ही गई, हमारे कृष्ण जी वहां का बरेली का संस्मरण सुनाते हैं, छोटे थे तो कोई भक्तिमती महिला थी, उन्होंने अखंड पाठ रखा, संपुट रखा, देवी दिनाथ होली तमोरा, करो सुबेग दास में दोरा, बाढ़ बड़े धूमधाम से संगीत में चल रहा था। वो जो अग्रे स्वामी थे वो गए मुसल खाने में, फिसलन गिर पड़े और साधारण हड्डी टूट गई, बस वो उठा के लाया गया, लेकिन उठते उठते उन्होंने बढ़िया स्वर्गीय का पाठ बंद था, क्यों बोले यही तमोरा भगवान जब अपने सखा तक ये नहीं कहते तुम जीतोगे, भगवान जब उससे भी कह देते हैं कि हारोगे तो क्या हुआ, मन करके स्वर्ग जाओगे, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति मिच्छा आशा पाले हुए है उस व्यक्ति का दुखी होना स्वाभाविक है। पर जो ये मान के चलता है कि ठीक है, हम करते हैं कर्म और कर्म करने के साथ साथ जब उसमें वह विवेक उदित हो जाता है
विशिष्ट के नियम के अनुकूल है जन के लाभ रात्रि आ गई ही कहीं उसी प्रकार से जीवन के इस सत्य को जिसने जान लिया दुख सुख पाप पुण्य दल राखी उस व्यक्ति को भ्रष्ट नहीं होता ऐसा नहीं पर उसका भ्रष्ट कम होता है विवेक के द्वारा वो अपने आप को सांत्वना देकर के दैनशाली रूप में बना देता है लेकिन अगर कोई व्यक्ति दिखावा केवल करे केवल तो कुछ नहीं चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए अगर सचमुच नहीं सच है तो कह क्या जानी नहीं चाहिए कब हम कछु तुम सर सहज चले बसों निरंतर तास मन सो रावर नहीं है बीटा शब्द है चौदह स्थान वाल्मीकि जी ने बताए और सब स्थान सुंदर से सुंदर है लेकिन उसने एक मीठा शब्द इसमें जुड़ा हुआ आपने ध्यान दिया है महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जिसको महाराज कभी कुछ नहीं चाहिए और आपसे जिसका सहज प्रेम है आप उसके मन में निरंतर निराश कीजिए क्यों बोले वो आपका निज है निज शब्द सर्वत्र नहीं है चौदह स्थानों में हर के साथ निज नहीं जुड़ा मीठा तात्पर्य कि आप कहीं जाए और बढ़िया मकान किराए पर लें और मकान ऐसा लगे तो आप रहेंगे पर रहने के साथ साथ आपको पता है कि किराया चुकाना है लेकिन जब आपका अपना घर होता है तो फिर आपको किराया तो नहीं देना है तो आपका अपना निजी घर है मानो भगवान से जो किराया लेते हैं या मेरे यहाँ रहिए तो किराए में ये दीजिए भगवान उदार है वो किराया देने को तैयार है पर जिसको कुछ नहीं चाहिए फिर वो आपका अपना घर है यहाँ आपको कुछ देना मना नहीं इसलिए निजी शब्द का प्रयोग यहाँ कर रहा था जानी नहीं चाहिए कब कुछ कम सन साध सने बसो निरंतर तास मन सो रावण निज गे तो ये ऐसे व्यक्ति बदले होते हैं कि जिसके जीवन में फल की रंच मात्र कोई आकांक्षा न हो और भगवान के शब्दों में वो उनके जीवन में भगवान को ही समस्त फल अर्पित कर दे ऐसी वृत्ति बनी हुई है ऐसा भाव जिसके हृदय में बना हुआ है लेकिन जब प्रताप भाव के समान कोई व्यक्ति दंभी के दम का आश्रय लेकर के यह कहे कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए मन कहते हैं क्या चाहिए बोले तो कुछ नहीं निष्काम भाव से मैं कर्म करता लोगों ने कहा राजा बड़ा विवेकी है निष्काम कर्मियों की पर एक दिन कले खुल गई आपका पेट भरा हुआ है और आपके यहाँ कुछ नहीं चाहिए ये कौन सा आप बड़ा त्याग कर रहे हैं असली कलई कब खुलेगी प्रताप बाम एक दिन जंगल में गया शिकार खेलने लगा और हर बाण चलाता है और जिसको मारना चाहता है गिरा देता है और जब वो लौट रहा तो आ गया एक शूकर ये शूकर वो तो मेरे कहते हैं लोग हैं लोग शूकर रूप सचमुच लोगों की रूख अब प्रकट हुई इतना शिकार किया इतने बाणों के द्वारा सफलता प्राप्त किया लेकिन पहला अवसर था कि जिस समय वो बाण चलाया वो बाण उसको शूकर पड़े लगा और तब सारी कली खुल गई हृदय ने कछु फल अनुसंधान अगर परम विवेकी होते तो सोच लेते इतने लक्ष्य पूरे हुए एक नजर रोल आ गया क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं संघात संजाय के कामना कामना पूर्ण हो जाए कामना पूरी ना हो तो क्रोध आ गया नहीं अरे लोग क्या कहेंगे मेरे सेनापति बल्कि क्या कहेंगे मेरा लक्ष्य मेरा बाण सफल नहीं हुआ और तब ऋष बस भूप चले उत्सव लगा राजा जो है क्रोध में भरा हुआ वो शूकर के पीछे घोड़े पर बैठ करके दौड़ा और दौड़ने के बाद जब जितने सेनापति मंत्री और सैनिक थे वो छूट गए और राजा अकेला हो गया आज अकेला चंदा कला के साथ की और उसके बाद को स्वामी जी कहते अब पता चला कि भूख कितनी गहरी होती भूख क्या मुश्किल है बोले खेल खेल शुद्धित त्रिषित राजा बाज सभी फिर भर गया व्यस्त हो गया
서로부터 축하해 빛나다의 और तब पता चला कैसे वो प्रबल थी, कैसी प्यास थी, कबड़ मुन्ने प्रभुतो का शत्रु था, उसका राज्य तथा भांग उन्हें छीन लिया था, वो बदला लेने के लिए उनके बीच में बैठा हुआ था, राजा उसका त्यागी रूप देख करके प्रभावित हो गए, पहचान नहीं पाए और फिर इतने प्रभावित हुए कि कबड़ मुन्ने पूछ दिया आपको और कुछ नाम ना हो तो कैसे हो चाहे जो नाम है राजा कालिमान जी है बोले महाराज यूं तो सत्य यह है कि चार ही पदार्थ करतल हो गए चारों फल मेरी मुक्ति में यही लक्षण है चारों फल मुक्ति को मुझे जो बोला है कह रहा है धर्म काम मोक्ष चारों मेरी मुक्ति में जैसे कई लोग होते हैं भूख तो है पर भी कैसे कहें कि मैं भोजन करना चाहता हूं वो नहीं कहें और दूसरा अगर आग्रह करे तो सोचते हैं कि मैं कह दूंगा कि हाँ तो सब नहीं है मुकाम तो बार बार कहें कि नहीं बिल्कुल भूख रही है और जब कोई बहुत का आग्रह करे तब कहेंगे मुझे तो भूख नहीं है पर आप जब इतना आग्रह कर रहे हैं तो आपकी प्रसन्नता के लिए मिलेगा राजा ने भी नाटक किया वैसे तो सारी पदार्थ करतल बोले पर प्रभु ही तथा प्रसन्न विरोकी मांग नंबर सो ये बात प्रसन्न है आप कह रहे हैं तो माना ठीक है यह चाहिए पता चला कि कैसी प्रबल भूख है मामूली भूख नहीं कपट को हंसने लगा मेरी तो थोड़ी सी भूख थी कि मेरा राज मिल जाए इसकी भूख तो इतनी बड़ी है कि क्या बताऊं अगर महाराज प्रसन्न है तो वरदान लीजिए मैं कभी बूढ़ा न हूं मैं कभी न मरू और कभी युद्ध में न हारू और 100 कल्प तक मेरा राज्य चले जरा मरण दुख रहित तन समर जिताए जन को और एक छत्र रिपुहीन मणि राज कल्प सब इतनी बड़ी भूख थी और उस भूख ने उसको राक्षस बना दिया राक्षस दूसरों को खा करके भी अपनी भूख मिटाता है मानो व्यक्ति की भूख जब नकली भीतर से भूख और बाहर से ठगने के लिए दम्भ के रूप में न भूखे होने का दिखावा करे तो अंत में तो भूख की कली खुलेगी और अंत में दूसरों के को विनाश करके भी वो अपनी भूख मिटाना चाहता है इसलिए मानो वह चारों फलों के जो पात्र हैं वह और दूसरे वह जो जिन्हें फल नहीं चाहिए इसी भरत है और दूसरा पद भी प्रताप भानु है जिसे चाहिए सब कुछ लेकिन दिखावा करता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और उस रथ की दम से उसका विनाश हो जाता है राक्षस बन जाना पड़ता है और धन्य हनुमान जी साक्षात वैराग्य के घनीभूत रूप है साक्षात शंकर के अवतार हैं उनसे बढ़कर की कोई दानी नहीं पर मां के सामने खड़े हैं मां मैं तो अत्यंत भूखा हूं अतिशय भूखा हूं और उस अतिशय भूख में हनुमान जी की भूख क्या है कैसे उस भूख का रस मुझे प्राप्त होता है इसकी चर्चा कल होगी आज बोलिए